हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी हूँ मैं घर पे और अभी हमें जाना है ऊपर मंदिर। वहाँ है भंडारा और पूजा है, मतलब हमारे यहाँ की। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ, और हम कल भी गए थे रात को, और रात को ही हम वापस आ गए थे क्योंकि हमारे दोस्त भी हमारे साथ थे। तो वो अब निकल रहे हैं घर और हम जाएंगे मंदिर में। तो दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या हो रहा है मंदिर में। वैसे आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है, तो देखते हैं। गाड़ी लो। शान फरामोश इधर भी ले लो अपने पति देव को। उनको क्या लेना है, मैं सोच रही हूँ। अपने दोस्तों को कर लिया है हमने बाय बाय और हम चलते हैं गांव की तरफ। ये देखो हमारे गांव का रास्ता। तो यहाँ पे रास्ते में मिल गए हमें भैया, भाभी और उनके बच्चे। तो उनके साथ हम फटाफट से जाएंगे मंदिर और आपको दिखाएंगे मंदिर में क्या चल रहा है अभी। तो फटाफट से चलते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर में और मंदिर के करीब दर्शन। इधर चल रहा है खाना, सारे लोग बैठ चुके हैं, कुछ लोगों ने खा लिया है। खाना वाना सारा हो चुका है और अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो पैदल वाले रास्ते जाएंगे हम। माता देव है क्या ना, चलो इतना सुने माता गोंडर कैन माता भी खुश अपन मेर भक्त बल इतना गर्म हम या फम मर बजाना रही भक्त भी खुश और भक्त भी खुश अपन उठा ठंडू छप छपी पोड़ाल के झोला बलिया। हाय करो, हाय करो, हाय हंस। अभी आने लग गया है बहुत तेज तूफान, और ये बारिश नहीं है, तूफान है। और धूल बहुत ज्यादा उड़ रही है और आंखों में ना धूल बैठ रही है। तो फटाफट से जाते हैं हम घर, और हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है। अगर अच्छी सी बारिश हो जाएगी तो फिर बहुत ही मजा आ जाएगा। तो चलते हैं घर। Thank you.
हल्की बूंदाबांदी के साथ पूजा समापन के बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो गई और मौसम भी सही हो जाएगा अगर अच्छी सी बारिश हो गई तो हम आ गए हैं सब लोग और कुछ उधर चले गए हैं और हम जा रहे हैं आगे। दीदी लोग भी हैं आगे तो उनको घास भी मिल चुका है। ये आम की एक टहनी टूट गई थी तो इसको घास के लिए लेके जा रहे हैं। दीदी बोल रही थी घास 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 तो इनके लिए घास का जुगाड़ भी हो गया है। ये देखो आम की टहनी और ये मम्मी भी लेके आ रही है। ये कौन सा है? ये भी एक घास है। ये दीदी के लिए घास का फुल जुगाड़ हो चुका है। अब इनको घर में जाके घास लाने की जरूरत नहीं है। बोल जेठानी को मौका नहीं मिल रहा है अभी तो बोल रहे थे। बोल लो यार। वही तो जैसे मैंने इनके फेस पे कैमरा किया वैसे ही आगे भाग गई। वही तो जेठान जी भाग गई। क्या करें? तो पहुंच चुके हैं हम घर और थोड़ी थोड़ी में भीग गई थी। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। ज़्यादा बारिश हुई नहीं और अभी भी ना हवा ही चल रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और चाय पीते हैं। उसके बाद हमारे आम बहुत सारे नीचे गिर रखे हैं तो देखते हैं उन्हें उठाएंगे क्या करेंगे उनका। ये देखो घूमने के बाद जो कपड़े होते हैं ना वहाँ से आके बहुत सारे रहते हैं तो अभी इनको धो रही हूँ मैं। मुझे शाम को ही धो देती हूँ फटाफट से, सुबह तक सूख जाएंगे। ये मैंने भी धो रखे हैं, इन्हें फटाफट धो देती हूँ।